हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल जो कि द हिंदू से है और सीखेंगे कुछ नए वर्ड्स। सो लेट्स स्टार्ट। आफ्टर फ्लैग मीट, फ्लैग मीट एक मीटिंग होती है जो बॉर्डर के दोनों देशों के बीच के कमांडर्स के बीच होती है। तो फ्लैग मीट के बाद बांग्लादेश रिटर्न्स, रिटर्न का मतलब होता है लौटाना और रिटर्न्स है यानी कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में। जैसा कि हम सबको पता है कि न्यूज की हेडिंग या सब हेडिंग में ज्यादातर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। तो बांग्लादेश ने लौटाया किसे? बीएसएफ जवान हु क्रॉस्ड ओवर बॉर्डर। क्रॉस ओवर का मतलब होता है किसी चीज को पार कर लेना। तो उस जवान को लौटाया जिसने बॉर्डर क्रॉस कर लिया था, बॉर्डर को पार कर लिया था। आगे है, अब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ जवान हु हैड इनएडवर्टेंटली का मतलब होता है अनजाने में क्रॉस्ड ओवर टू बांग्लादेश। तो कॉमा के बाद का क्लॉज जो हु से शुरू होता है, ये सारी बातें इस जवान के बारे में लिखी गई हैं। और यहाँ पे है हैड यानी कि ये है पास्ट परफेक्ट टेंस में, और इसका मतलब हो गया जो अनजाने में क्रॉस करके बांग्लादेश जा चुका था। Was returned by the border guards Bangladesh. Was returned यानी कि लौटा दिया गया था by the border guard Bangladesh on Tuesday. Tuesday के दिन after a flag meeting. Flag meeting के बाद। अब जो कॉमा के बाद का पार्ट है was returned, इसका सब्जेक्ट है ये BSF का जवान। अब इसका मेन वर्ब है returned. अब यहाँ पे was returned है यानी कि ये पैसिव वॉइस में हो गया। आगे है, द इंसिडेंट वॉज रिपोर्टेड अराउंड 10:30 AM। इंसिडेंट का मतलब होता है घटना, वॉज है और वर्ब की पास्ट फॉर्म है यानी कि हो गया ये पैसिव वॉइस। अराउंड का मतलब होता है आसपास, तो इसका मतलब हो गया कि घटना 10:30 के आसपास की थी। इन नॉर्थ बंगाल यानी कि नॉर्थ बंगाल में, व्हेन जब बीएसएफ कांस्टेबल उपल कुमार दास रिपोर्टेडली, रिपोर्टेडली का मतलब होता है खबरों के अनुसार या कथित तौर पे, एंटर्ड बांग्लादेश यानी कि बांग्लादेश में घुसे। अच्छा, सेंटेंस का जो फर्स्ट पार्ट था, जो द इंसिडेंट वाला पार्ट था, वहां पे सब्जेक्ट है द इंसिडेंट वॉज रिपोर्टेड, रिपोर्टेड हो गया यहाँ का मेन वर्ब। जो इसका सेकेंड पार्ट जो कि वेन से शुरू होता है, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया ये बीएसएफ जवान उपल कुमार दास और इसका मेन वर्ब हो गया एंटर्ड। और मेन वर्ब पास्ट फॉर्म में है, साथ में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट। While यानी कि जब he was patrolling the area, patrol का मतलब होता है गश्त लगाना। Was patrolling, was है वर्ब की ing form है, तो ये हो गया past continuous और मतलब हो गया जब वो उस क्षेत्र में गश्त लगा रहे थे। और इस पार्ट में सब्जेक्ट हो गया he और इसका मेन वर्ब हो गया patrolling। आगे है, अब BSF official said यानी कि एक BSF के अधिकारी ने कहा that the constable had noticed, constable ने notice किया था the movement of a few Bangladeshi nationals यानी कि बांग्लादेश के नागरिक near the zero line, zero line के पास में, zero line के पास में उन constable ने ये notice किया था कुछ बांग्लादेशी नागरिकों के आवागमन को। अब इस सेंटेंस में that के बाद जो पार्ट है वहां पे constable इसका सब्जेक्ट हो गया, had noticed यानी कि ये हो गया past perfect tense। आगे है, the land यानी कि भूमि, beyond का मतलब होता है अतिरिक्त, the zero line मतलब कि zero line के अतिरिक्त जो भूमि है is used for cultivation खेती के लिए, cultivation का मतलब होता है खेती बाड़ी, तो खेती बाड़ी के लिए use किया जाता है by people on both sides of the border यानी कि border के दोनों साइड के लोगों के द्वारा वो खेती बाड़ी के लिए वो जमीन यूज की जाती है। यहाँ पे है इज यूज्ड यानी कि ये हो गया पैसिव वॉइस में और इसका सब्जेक्ट हो गया लैंड। आगे है, व्हेन यानी कि जब द कांस्टेबल नोटिस्ड, कांस्टेबल ने नोटिस किया दैट सम पीपल फ्रॉम बांग्लादेश हैड कम टू द इंडियन साइड मतलब कि जब कांस्टेबल ने ये नोटिस किया कि बांग्लादेश के कुछ लोग इंडियन साइड में आ गए थे, ही आस्क्ड देम टू रिटर्न, उन्होंने उन्हें वापस जाने को कहा। अब जो सेंटेंस का पहला पार्ट है व्हेन द कांस्टेबल नोटिस्ड, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया ये कांस्टेबल और नोटिस्ड है यानी कि ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट। इसका दूसरा पार्ट है दैट के बाद सम पीपल फ्रॉम बांग्लादेश हैड कम, हैड कम यानी कि हो गया पास्ट परफेक्ट। और जो ये लास्ट पार्ट है, ही आस्क देम टू रिटर्न, ही हो गया इसका सब्जेक्ट और आस्क हो गया इसका मेन वर्ब और ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस में।
आगे यहाँ पे इस इमेज की बात हो रही है, बीएसएफ पर्सनल कीप विजिल एट द इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। विजिल का मतलब होता है पहारा, पर्सनल का मतलब होता है कर्मचारी, तो बीएसएफ कर्मचारी पहारा रखते हैं इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे।